दोस्तों, लीजेंड्स कभी मरा नहीं करते, वो लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहते हैं। फूलों की महक की तरह हमेशा उनकी यादें सांसों में समाई रहती है। ऐसी ही एक शख्सियत का नाम है दिलीप कुमार जी। जी हाँ दोस्तों, अभिनय सम्राट दिलीप कुमार, जिन्होंने हमेशा लोगों के दिलों पर राज किया। वो एक बेहतरीन एक्टर तो थे ही, एक जिंदा दिल और एक नेक इंसान के रूप में भी दुनिया हमेशा उन्हें याद रखेगी। दोस्तों, बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार का 98 साल की उम्र में आज निधन हो गया है। आज सुबह 7:30 बजे उन्होंने मुंबई के हिंदुजा हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली। दोस्तों, आपको बता दें, दिलीप कुमार जी को सांस लेने में बहुत दिक्कत के चलते 29 जून को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उनकी धर्मपत्री सायरा बानो ने ट्वीट करके उनके फैंस को भी बताया था। आपको बता दें, दिलीप कुमार के पारिवारिक मित्र फैजल फारूकी ने दिलीप साहब के ट्विटर अकाउंट से ये जानकारी शेयर की है। इस खबर के सामने आते ही दोस्तों, सोशल मीडिया पर हिंदी सिनेमा के कई दिग्गज जैसे कि अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, अक्षय कुमार और बॉलीवुड के कई सितारों ने अपना शोक जाहिर किया है। दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री में शायद ही कोई ऐसा एक्टर होगा जो दिलीप कुमार जी को अपना आइडल ना मानता। वो अपने आप में अभिनय की एक इंडस्ट्री थे जिन्होंने सबके दिलों को छू लिया था। भगवान बॉलीवुड के भगवान को अपने चरणों में स्थान दे, ऐसी मेरी कामना है। दोस्तों, उन्होंने अपने जीवन में सभी तरह के रोल्स किए, ट्रेजेडी, कॉमेडी, सिंगल रोल, डबल रोल, हर किरदार में अपनी ऐसी छाप छोड़ गए कि सारा जमाना उनका दीवाना हो गया। दोस्तों, ऐसी हस्ती को पूजा का शत शत नमन। करोड़ों दिलों की धड़कन दिलीप कुमार जी हमेशा बॉलीवुड इंडस्ट्री में कोहिनूर हीरे की तरह चमकते रहेंगे। दोस्तों, आपको बता दें, दिलीप कुमार जी का अभिनय का सफ़र आज़ादी के पहले से शुरू हुआ और आज जाकर ख़त्म हो गया। आज हर आंखें नम हैं और हर तरफ खामोशी है। दिलीप कुमार जी सबकी आंखों में आंसू और दिल में प्यार छोड़कर इस दुनिया से दूसरी दुनिया में चले गए। दोस्तों, इतना ही नहीं, दिलीप जी ने एक से बढ़कर एक किरदारों को जिया और दिलों से जिया। उनकी बेहतरीन फिल्मों में मुगले आजम, गोपी, बैराग, राम और श्याम, कोहिनूर, नया दौर, तराना, देवदास, मधुमति, यहूदी, दोस्ताना, मजदूर, क्रांति, विधाता, कर्मा, सौदागर, शक्ति, मशाल, लीडर, आदमी और इस तरह से बहुत सारी फिल्में उन्होंने एक से बढ़कर एक बॉलीवुड को दी, जिसमें कि आज़ाद भी रही है। दोस्तों, इतना ही नहीं, दिलीप जी ने हर दौर में फिल्म फेयर अवार्ड्स की झंडी लगा दी थी और अभिनय के सम्राट बन गए। बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपने अपार योगदान की वजह से ही उन्हें अभिनय सम्राट का नाम दिया जाता है। वो अपने किरदार में इस कदर डूब जाते थे कि उन्हें देखने वाले वाह वाह कह उठते थे। उन्हें ट्रेजेडी किंग के नाम से भी जाना जाता है। उनके अभिनय की एक और खूबी यह थी दोस्तों कि वो कभी भी किसी रोल की रिहर्सल नहीं करते थे और सीधा ऑन स्क्रीन परफॉर्मेंस देते थे। ऐसा अभिनव का सम्राट युगों युगों तक पैदा होना मुश्किल है दोस्तों। और दोस्तों, अंत में मैं पूजा इन शब्दों के साथ आपकी आज्ञा चाहूँगी, जब तक सूरज चांद रहेगा, दिलीप तेरा नाम रहेगा।